और दोस्तों आप सभी लोग काफी ज्यादा एकदम कमेंट कर रहे थे दोनों का प्यार में, मेरा घर वाला मतलब खुश है कि नहीं, तो अभी माँ से पूछेंगे कि खुश है कि नहीं। और पापा तो अभी कहाँ गए हुए हैं, तो पापा अभी नहीं घर पे हैं, इसीलिए नहीं तो पापा को भी पूछते, तो अभी मम्मी है इसीलिए मम्मी को पूछ रहे हैं और आप लोग तक मतलब पहुंचा रहे हैं कि माँ अभी खुश है कि नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का 10 बज गया और दोस्तों अभी हम लोग खाना पीना खा लिए और अभी आए हुए हैं छत में। कहा कि सुबह से ना पूरा बारिश दे रहा था, इसीलिए सोचे घर में रह रह के पूरा हम लोग को बोर लग रहा था, इसलिए हम छत के ऊपर चढ़े हुए हैं। मम्मी गई हुई है किधर और पापा घर में ही हैं। मतलब पापा भी गए हुए थे तो अभी आ गए हैं, मटन लाने के लिए गए हुए थे, तो वो भी दिखाएंगे आप लोग को जो समय पापा बनाएंगे उस समय। पापा और मम्मी हम लोग सब रहेंगे, उसका बाद बनाएंगे। अभी क्योंकि 9 बजा हुआ है तो अभी बना करके छोड़ देंगे तो शाम में थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगेगा, खराब हो जाएगा। गर्मी का सीजन है आज, लेकिन बारिश हो रहा है, लेकिन नहीं होगा खराब, लेकिन फिर भी नहीं बना रहे हैं अभी। थोड़ा शाम गर्म खाएंगे तो अच्छा, शाम में थोड़ा गर्म गर्म बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए अभी हम लोग चढ़ गए ऊपर में। और प्लास्टर भी घर का करना था लेकिन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, शंकर अभी ससुराल गया हुआ है तो फिर वो आएगा, उसके बाद हम लोग सामान गिराएंगे। और रात से ही एकदम पूरा काफ़ी ज़्यादा बारिश दे रहा था और आप भी देखिए हवा चला रहा है, इतना ज़्यादा हवा चला रहा है ना, पूरा एकदम हवा चला रहा है पूरा अभी मस्त। और इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा घर में तो ठंडा ठंडा टाइप का लग रहा था, तो अभी मौसम थोड़ा साफ कर रहा है तो हम लोग आ गए अभी यहाँ पे। और दोस्तों हम लोग का गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से है, देखिए वहाँ पे हम लोग का गाड़ी खड़ा करते हैं और उधर साइड में डाला रखते हैं और पापा वहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे पूरा मस्त वो वाला भी अल्बेस्टर का ढाँक करके बना दिए हुए हैं। और घर कुछ इस प्रकार से है, पूरा एकदम साइड साइड में पूरा बाउंड्री किया हुआ है, ये वाला पूरा हम लोग का ग्राउंड, ये वाला पूरा हम लोग का घर है। और उधर साइड में फिर आगे साइड में चाचा ये सब का है, हम लोग का पापा ये सब चार भाई हैं, तो दूसरा भाई का वो वाला है, उसका आगे वाला है। और हम लोग का ये वाला पूरा है, यहाँ छत से लेकर के वहाँ तक पूरा है। और इधर साइड में भी पूरा बाउंड्री किए हुए हैं, ऊपर में पूरा बाउंड्री हो गया हम लोग का छत में, इधर साइड भी पूरा एकदम यहाँ पे पूरा बाउंड्री किया हुआ है। और वहाँ पे देखिए ननुआ लगा हुआ है और ये सब में पूरा कच्चू लगा हुआ है। और बत्तख सब को अभी फिलहाल वो वाला घर में रखते हैं और सारा करेट को हम लोग अभी यहाँ पे लाद दिए हैं, इसको दूसरा साइड में करना है। यहाँ पे पानी ऊपर से गिरता है ना तो करेट सब खराब हो जाएगा, इसीलिए ये सब को भी कहीं दूसरा जगह कर देंगे। अभी बज गया 12, तो वो बत्तख ये सब को भी खाना देना होगा। हाँ, 1 बजे देते हैं और हम लोग भी तो वीडियो बनाना था, इसीलिए हम लोग आ गए छत में। और अभी तो गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी उड़ी रहता तो लोग कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन बाइक नहीं है तो पैदल नहीं ना जा सकते हैं क्या, कहाँ कि यहाँ पे थोड़ा उतना साउंड ये सब का सुविधा नहीं है तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हम लोग का गाँव देहात है ना, ज़्यादा मतलब यहाँ पर गाँव घर नहीं है, इसीलिए साउंड ये सब नहीं करते हैं, साउंड ये सब का पैसा नहीं दे पाते हैं काजी, इसीलिए फिर साउंड नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग का गांव एकदम पूरा सुना सुना अभी लग रहा है, नहीं तो नीचे तरफ नापते हैं ना बस्ती तरफ तो उधर साइड में एकदम पूरा साउंड बजता है। और इधर साइड में पूरा मकई ये सब लगा हुआ है पूरा साइड साइड में। और उधर वाला भी बाड़ी हम लोग का पूरा है, वो सब बाड़ी जितना है ना वो सब हम लोग का है, मतलब यहाँ से लेकर के और जो कटहर का पेड़ दिख रहा है ना वहाँ से लेकर के एकदम पूरा उधर आगे तक में, एकदम पूरा बहुत दूर में उधर तक में है, हाँ ना जी सकते, हाँ वो सब पूरा हाँ। तो अभी हम लोग आए हैं तो इसीलिए अभी रुक रहे हैं, इसीलिए नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग को बाद में दिखाएंगे। धान हो गया और हम लोग का बाड़ी कितना है वो सब दिखाएंगे। और हम लोग का बत्तख तो अभी नहीं बिक पाया है क्योंकि इतना कम रेट बोल रहे थे ना, इसीलिए हम नहीं बेच रहे हैं। कोई बोल रहे हैं 150, कोई बोल रहे हैं 120 रुपया, कोई बोल रहे हैं 130 रुपया, ऐसे टाइप का मतलब बोल रहे हैं, सब मौका फ़ायदा उठा रहे हैं काजी, इसीलिए अब दे रहे हैं। मतलब बत्तख का सीजन मतलब निकल गया, इसीलिए यही वाला मनसा पूजा रहता ना तो पूरा निकल जाता, इसीलिए हम लोग सारे बत्तख को रख लेंगे यहीं पर। और ये वाला देखिए
यहाँ पे पूरा ये वाला घर को पूरा पैक कर देंगे और इधर साइड में बत्तख को छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करने आएंगे। ये सब का सिर्फ यहाँ पे खाना देंगे और यही घर में घुसा देंगे अंदर में, और ये वाला को सारा पैक कर देंगे। उधर हम लोग का पर्सनल हो जाएगा आराम से, सेंट ये सब भी नहीं जाएगा, यहाँ से उधर साइड निकल जाएगा। थोड़ा पर्सनल हम लोग का घर था इसीलिए बेच रहे थे मुसीबत में, तो मुसीबत का फायदा मतलब सभी को उठाते हैं का जी। हाँ, और अभी नहीं बेचेंगे तो उधर टाट तरफ भी हम लोग बना सकते हैं ना। मैं हम लोग का मतलब इधर बहुत ज्यादा जमीन है, कहीं पे बना लेंगे हम लोग धीरे 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 होगा। ये तो अभी शुरुआत है इसीलिए अभी हम लोग घर में रख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मतलब सस्ता रेट में दे रहे थे। हम लोग सोचे कि जैसे तैसे निकाल देंगे, 200 रुपया में दे देंगे, 150 भी नहीं दे रहे तो कोई तो बोलता है 50 रुपया दो, ऐसे 50 रुपया देगा तो बोलो ऐसे मतलब। और एकदम काफ़ी ज़्यादा कॉल करते हैं, भैया बत्तख लेना है, भैया बत्तख लेना है, कोई बत्तख नहीं ले रहा है, बोल रहा है 120 रुपया। तब समझ के देखिए, 3 महीना का बत्तख है और 120 रुपया में कोई दे पाएगा क्या? मालिक ही खरीदा था 55 रुपया में, 120 रुपया में क्या फायदा, वो कितना खिलाया, बहुत खिलाया। और हम लोग का मेहनत इतना किए हुए थे तो सब तो बर्बादे में चल जाएगा, इसीलिए हम लोग सोचे कि आप दाना लाएंगे, अच्छा अच्छा क्वालिटी का दाना लाएंगे और खिलाएंगे और पाल लेंगे। और वैसे तो हम भी कहीं काम करने नहीं जा रहे हैं, भाई भी काम करने नहीं जा रही, शक्ति भी कुछ नहीं कर रही है, माँ भी इधर रहती है घर में रहती है, तो मिल बाँट के सब थोड़ा मोड़ा करेंगे, हो जाएगा आराम से। फिर अंडा देने लगेगा तो हम लोग का हो जाएगा पैसा, उसी से पूरा पैसा हम लोग का निकल जाएगा। इसीलिए अभी जाना है, परसों दिन जाना है दाना लाने के लिए, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। अब किसी को मतलब खोसा मती नहीं करने जाएंगे, ज्यादा खोसा मती जबरदस्ती किसी को नहीं बोलने जाएंगे कि लीजिएगा तो लीजिए। और जिसको लेने का मन करेगा वो अब वीडियो देख के आ भी सकते हैं, और कोई गाँव अगल बगल का गांव है वो भी आ सकते हैं लेके ना। लेकिन कल का बाद फिर परसों का बाद दाना लाएंगे, उसका बाद अगर आएगा तो हम लोग बत्तख नहीं बेचेंगे। कल दिन भर का बीच में अगर कोई आ गया लेने के लिए तो दे देंगे, और फिर नहीं आएगा तो फिर नहीं देंगे, क्योंकि फिर दाना ये सब लाएंगे तो हम लोग का फिर वो सब में पैसा लग जाएगा, तो फिर हम लोग नहीं दे पाएंगे, फिर हम लोग का रेट आगे बढ़ जाएगा का। चलिए, तो आप लोग को अभी बता दिए, कोई भी लेंगे तो आज और कल का बीच में ही, मतलब कल का बीच में ही कॉल कीजिएगा, और लेना है तो सारे बत्तख को ले जाइएगा। 150 बत्तख है, 200 में दे देंगे, 200 में पीस, एक पीस का 200, अगर जो लीजिएगा तो आकर के ले जाइएगा, और नहीं लेना है तो फिर नहीं का मतलब नहीं बेचेंगे, सब दाना ला करके खिलाएंगे रखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, और अभी मतलब 1 बजने ही वाला है, तो अभी बत्तख सब को खाना देंगे और आप लोग को थोड़ा दिखाएंगे बत्तख सब कितना मस्त है, और अभी रेट लगा रहे हैं 120 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे भी भाड़ा नहीं खुला हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे निहर के जाना होता है, देखिए झुक के जाना पड़ता है। और ये वाला का भी एकदम पूरा यहाँ पे ढलाई कर देना है, देखते हैं 2-4 दिन में सब हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए आराम से भी मुड़ झुका करके चले जाते हैं। पूरा पानी पड़ता है, तो स्लिप नहीं करेगा। हाँ, सूखा रहेगा, ये सब में गिरने का भी डर है, चढ़ेगी ना तो थोड़ा अच्छा से उतरेगी। यहाँ है पपीता का बीजा, देख सकते हैं पपीता था। और इतना तक हम मतलब करके गए हुए थे, इतना जितना हरा दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा किए हुए थे, यहाँ से इधर दूसरा मिस्त्री किया हुआ है, सीढ़ी भी मतलब पूरा हम लोग बनाए हुए थे, हम बनाए हुए थे, और नीचे से लेकर के यहाँ तक हम जुड़ाई करके गए हुए थे, और यहाँ से बाद में ऊपर तक उठाए। चलिए चलिए अभी धीरे धीरे उतरते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना देंगे। तो मुर्गी सब अभी मस्त है, मुर्गी अभी भी बेचेंगे ना तो बहुत अच्छा रेट में मिलेगा। ये मुर्गा 700 का था, ये बड़ा वाला, और वो दोनों 600 का था, 1200 का मुर्गी दोनों, और ये बड़ा वाला मुर्गा 300 का था। ये थोड़ा क्वालिटी का हिसाब से इधर साइड में मुर्गा बिकता है, इतना बड़ा रहता है ना, कोई कोई बड़ा मुर्गा का एकदम पूरा 10,000-12,000 मिलता है। हम खोलने नहीं सक रहे हैं। और ये वाला मुर्गा फाइटर थोड़ा झगड़ा किया था ना, तो इसका आँख थोड़ा फूट गया, खराब हो गया, खराब हो गया पूरा, इसका आँखें पूरा खराब हो गया, ये नोच दिया ना, ये बले कोला मतलब पूरा नोचा गया, और अभी शक्ति ग्रिल गेट को नहीं खोल सक रही है। तो चलिए अभी खोल लेते हैं, टाइट है, देखिए खोल दिया, दाना ले जा करके देना होगा। और ये मुर्गी एकदम पूरा ऐसा ही रहती है, पगली जैसा, हाँ पगली जैसा, मतलब
चुपचाप बैठे रहती है, दाना पानी सब खाती है। अच्छा, और घोघवल टाइप का बैठा रहती है, बीमारी जैसा। हाँ, बीमारी जैसा कर रही है। और यह सब में भी पूरा पानी आ जा रहा है, यहाँ से झटा से मरता है पानी। हाँ, घुसता है यहाँ से, यहाँ से झटा से मरता है, यहाँ पे पूरा तालाब जैसा हो जाता है और उधर जाता है। तो इसको ना झाड़ू से अभी उधर निकाल देंगे तो पानी आते रहता है, इसीलिए नहीं निकाल दिए हुए है कि बार बार कितना बार हम लोग थक जाते हैं ना, बार बार पानी आते रहता है। तो यही वाला का दोस्तों पैक कर देना है, यही वाला को पैक कर देंगे और सारे बत्तख को उधर साइड में छोड़ देंगे। फिर आराम से ये वाला रूम खुला रहेगा, ये वाला रूम खुला रहेगा उधर वाला, और इधर मतलब छोड़ देंगे। अब कोई ले ही नहीं रहे हैं तो ज़बरदस्ती भी नहीं देना है। वही सब मुर्गा आ जाता है बाहर का है और लड़ाई कर देता है मुर्गा के साथ। और ऐसा वाला मुर्गा है ना ये वाला, कि मतलब जल्दी से भागता भी नहीं है, जब कुछ हो जाएगा तभी भागता है, नहीं तो नहीं भागता है। ये सब फाइटर भी लड़ाता है ना, लेकिन भागने से नहीं भागता है। देखिए हाँ, इसका पूरा आँख मतलब ख़राब हो गया हुआ, इधर से कुछ नहीं देखता है। इधर से अभी पूरा कैमरा सटा दे रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा है, देखिए पूरा अभी ख़राब हो गया। तो इसको भी दवा डाल दिए हैं, ड्रॉप लाए हुए थे, मुर्गा है तो इसको इलाज तो करना होगा, अच्छा से इलाज कर दिए तो अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आँख से तो नहीं देख पाएगा लेकिन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, अभी तो थोड़ा घोघवल टाइप का दिख रहा है। और सारे मुर्गी इधर साइड में रहते हैं। और देखिए दोस्तों यही सब बत्तख है, देखिए एकदम 120 रुपया बोल रहे हैं और कोई कोई 150 रुपया बोल रहे हैं। देखिए पूरा बत्तख का क्वालिटी देखिए इतना बड़ा बड़ा है और बोल रहे 50-55 रुपया में, तो नहीं हो पाएगा इसीलिए नहीं, यह सब पांडा के लिए रख देंगे। इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा है ना, देखिए पूरा एकदम मस्त एकदम बड़ा बड़ा है, तो ये सबको दाना ला करके खिला करके रखेंगे। वो वाला देखिए, वो वाला बत्तख कितना बड़ा हो गई है, सफ़ेद वाला देखिए इतना बड़ा है। अब इसका बोल रहे हैं 50 रुपया, मीट का हिसाब से भी तो नहीं दे रहे। चलिए आप लोग को यहाँ पे बत्तख सबको अभी दिखा दिए। और ये वाला बत्तख पूरा एकदम बड़ा दिख रही है, देखिए उधर साइड में जा रही है, कितना ज़्यादा बड़ी है और बोल रहे हैं कि 150 रुपया। तो चलिए अभी यहीं पर जल्दी से अभी खाना दे देंगे दोस्तों। अभी हम बत्तख सबको खाना दे दिए और एकदम काफ़ी ज़्यादा बारिश आने लगा ना, तो हम पूरा भींग गए, देखिए ये सब में पूरा भींग गया हुआ है। तो चलिए अभी कपड़ा को चेंज कर देंगे, या देखते हैं सूखेगा तो ठीक है, हम तो चेंज कर देंगे। पूरा एकदम अचानक काफ़ी ज़्यादा बारिश देने लगा। तो दोस्तों अभी पानी छूट गया और एकदम काफ़ी सुंदर मौसम किया हुआ है, देखिए पूरा एकदम साफ मौसम कर दिया। और अभी शाम का 4 बज गया। और दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम कमेंट कर रहे थे हम दोनों का प्यार में, मेरा घर वाला खुश है कि नहीं, तो अभी माँ से पूछेंगे कि खुश है कि नहीं। और पापा तो अभी कहाँ गए हुए हैं, तो पापा अभी नहीं घर पे हैं, इसीलिए नहीं तो पापा को भी पूछते, तो अभी मम्मी है इसीलिए मम्मी को पूछ रहे हैं और आप लोग तक मतलब पहुँचा रहे हैं कि माँ अभी खुश है कि नहीं। का बोल दीजिए माँ, खुश हैं कि नहीं? हम तो खुश है, हम तो खुश है, छवा पुता अपना मतलब से कर लिया तो हम लोग तो खुश है। कहे कि जे आजकल ही चलते है तो का कर गया। देखिए माँ भी एकदम कितना अच्छे माँ हैं और हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किए इस लेवल तक, अभी माँ बाप हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए। हाँ। अगर यही माँ अगर सपोर्ट नहीं पहले करती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। और माँ बाप का सपोर्ट ही से मतलब हम लोग घर आए, और आप लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए, शंकर भी एकदम काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है का। तो चलिए आप लोग को सब कुछ यहाँ पे बता दिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।